नमस्कार, आप देख रहे हैं मॉर्निंग स्पेशल, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बात बिहार की करेंगे क्योंकि यहां के मुजफ्फरपुर में बच्चों का कातिल अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका है। 3 दिन बाद भी आरोपी मनोज बैठा की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। बिहार पुलिस की 5 टीमें आरोपी की तलाश कर रही है लेकिन अब तक सबके हाथ खाली है। बता दें आपको कि हादसे के बाद से ही विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं नीतीश ने दुख में होली नहीं मनाने का ऐलान किया है लेकिन सीसीटीवी फुटेज में देखिए किस तरह से 9 बच्चों को बेरहमी से कुचला बैठा ने। उसके बाद से वो फरार हैं और अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। नीतीश सरकार खामोश है। हालांकि इस बात का ऐलान नीतीश कुमार ने किया है कि वो इस बार होली नहीं मनाएंगे। उन्हें बेहद अफसोस है, बेहद दुख है लेकिन क्या यहीं पर थम जाते हैं सवाल? क्योंकि सवाल उठ रहा है कि आखिरकार अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्यों इतनी देरी बरती जा रही है इस पूरे मामले में। आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरह से बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है क्योंकि जो आरोपी है वो फरार है। डिप्टी सीएम की होली पार्टी मनाई गई उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही नशाखोर नेता, क्योंकि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त नशे की हालत में धुत थे मनोज बैठा और उसी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। दुख के नाम पर अब हालांकि नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं विपक्ष के लोग। उनका यह कहना है कि क्या सिर्फ होली ना मनाना ही इस पूरे मामले में कार्रवाई है और इस पूरे मामले में जो नीतीश सरकार का रुख और रवैया है वो बेहद निंदनीय है। 2 तस्वीरें आपके सामने किस तरह से एक तरफ डिप्टी सीएम तो होली पार्टी मना रहे हैं और पहली तस्वीर जो है वो है नीतीश कुमार की जिन्होंने होली ना मनाने का ऐलान किया है। लेकिन लापरवाही तो हुई है क्योंकि मनोज बैठा अब भी फरार है, पुलिस के हाथ उन तक पहुंच नहीं पाए हैं और ये वही बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने बुलेरो से सभी 9 बच्चों को रौंद दिया था। 4 लेन सड़क पर बुलेरो ने बच्चों को रौंदा था, वो हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। और शनिवार शाम की ये घटना है और रविवार की ये तस्वीर है डिप्टी सीएम के घर पर जब होली की पार्टी हुई और इसमें डिप्टी सीएम शरीक भी हुए। उसके बाद हालांकि नीतीश कुमार ने होली नहीं मनाने का ऐलान किया लेकिन खाना पूर्ति की जा रही है अब नीतीश सरकार की ओर से और इसी को लेकर तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं। 9 बच्चों को रौंद कर मारने का आरोपी 3 दिन बाद तक भी गिरफ्तार नहीं हुआ है क्योंकि शनिवार शाम की घटना आज मंगलवार है। ऐसे में मनोज बैठा को पकड़ने के लिए बनाई गई पुलिस की 5 टीमें आखिर क्या कर रही हैं, इतनी देरी क्यों हो रही है? मनोज पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है और अब अगर वो पकड़ा भी जाता है तो मेडिकल टेस्ट में कैसे साबित होगा कि जिस वक्त वो गाड़ी चला रहा था और बच्चों को रौंदा गया तब वो नशे में धुत था? क्या जानबूझकर गिरफ्तारी में देरी की जा रही है ताकि मनोज के शरीर से शराब का अंश खत्म हो जाए और जब टेस्ट हो तो उसमें शराब के अंश ना पाए जाएं? नेता शराब पीकर बच्चों को रौंद देता है, सवाल ये कि नीतीश राज में ये कैसी शराबबंदी है? वो बिहार जहां पर पूरी तरह से शराब बेचने पर पाबंदी है, ऐसे में वहीं पर एक नेता शराब पीकर 9 बच्चों को रौंद देता है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ पटना से जुड़ गए हैं। रोहित, बहुत सारे सवाल इस वक्त नीतीश सरकार पर उठ रहे हैं क्योंकि सवाल यह है कि आखिरकार इतना लंबा वक्त, 3 दिन का वक्त बीत चुका है, 9 बच्चों को इस नेता ने रौंद दिया है और पहले तो इस नेता को बीजेपी का होने से ही इनकार कर दिया था, यही कह दिया था कि बैठा जी जो है वो बीजेपी के है ही नहीं और अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिरकार इतनी देरी क्यों उनकी गिरफ्तारी में? जी बिल्कुल, देखिए घटना घटे कम तकरीबन अब 72 घंटे का वक्त बीत चुका है और पहले अगर आप बात करें 12 घंटे में तो बीजेपी ने साफ इनकार कर दिया कि इस नाम का कोई भी व्यक्ति उनकी पार्टी या संगठन में नहीं है बिहार में खासकर। लेकिन रात होते होते शनिवार रात तक हमें पता चल गया कि ये मनोज बैठा जो है वो सीतामढ़ी जिले का महामंत्री है और उसके बाद हम लोगों ने फिर देखा धीरे धीरे करके एक नेता आने सामने शुरू हुए और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ मनोज बैठा संगठन का आदमी है और अब उसे कल रात सस्पेंड कर दिया गया है इस पूरी घटना के लिए 6 साल के लिए। लेकिन 6 साल का निलंबन क्या सिर्फ काफी है? क्योंकि इस मामला हत्या का एक तरीके से हो चुका है क्योंकि उनके खिलाफ 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है आईपीसी की धारा गैर इरादतन हत्या का। और वो जो हमें जानकारी मिल रही है क्योंकि वो सीतामढ़ी का रहने वाला था, उसका गांव जो है फतेहपुर, वहां से नेपाल बॉर्डर सीमा केवल 10 किलोमीटर की है, तो वो एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसी रात नेपाल फरार हो चुका है। तो ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि प्रशासन या पुलिस उसको
गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रही है। और जहां तक ये सेलिब्रेशंस की हम जो बात कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं, जाहिर सी बात है नीतीश कुमार कि कहीं ना कहीं दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इन सभी बच्चों की मौत का शोक है, इसीलिए वो होली नहीं मनाएंगे। वहीं बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता, हम कल देख रहे थे तस्वीरें जो अब सामने आई हैं, वो आराम से होली मिलन कर रहे हैं। कल राज्यसभा जो सांसद हैं आरके सिन्हा, उनके यहाँ होली मिलन की पार्टी थी और तमाम बीजेपी के बड़े नेता होली मिलन की पार्टी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है दर्शकों को, बने रहिए हमारे साथ रोहित, क्योंकि ये तस्वीर बहुत कुछ कह रही है। तस्वीरें कह रही है कि कितनी संवेदनहीन है ये सरकार की 9 बच्चों की मौत के बाद भी इस तरह से होली समारोह में शिरकत करने पहुंचे डिप्टी सीएम। वहीं नीतीश कुमार हालांकि ये कह रहे हैं कि वो होली नहीं मनाएंगे, लेकिन क्या ये काफी है? क्या होली ना मनाने का फैसला नीतीश कुमार की ओर से ये दर्शाता है कि उन्हें बहुत शोक है? हालांकि कार्रवाई के नाम पर अब तक सिर्फ खानापूर्ति की गई है। जो मनोज बैठा है वो बताया जा रहे हैं कि वो फरार हो चुके हैं, नेपाल बॉर्डर क्रॉस करके वो नेपाल पहुंच चुके हैं, और ये सब कुछ सरकार की आंखों के सामने किया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि जो अल्कोहल के अंश हैं या फिर शराब के अंश हैं उनके खून से निकल जाएं, अगर उनकी बात उसके बाद भी उनकी गिरफ्तारी होती है तो टेस्ट में ये सामने नहीं आ पाएगा कि जिस वक्त वो गाड़ी चला रहे थे वो नशे में धुत थे। रोहित हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ बने हुए। रोहित, सवाल नीतीश सरकार पर उठने लाजमी है, क्योंकि सिर्फ होली ना मनाने का फैसला ही काफी नहीं है, फैसला ये किया जाना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द कानून के हाथ जो है वो मनोज बैठा तक पहुंचे, कैसे ये सुनिश्चित किया जाए कि जो शनिवार शाम की घटना थी मंगलवार आ चुका है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और अगर कार्रवाई की भी जा रही है तो ये महज दिखावा है। जी बिल्कुल, देखिए होली खेलना नहीं खेलना ये एक अलग बात हो सकती है, आप दिखा सकते हैं कि आप संवेदनहीन है, ये संवेदनहीनता आपके मतलब खत्म हो गई आपके अंदर संवेदना, लेकिन यहाँ कार्रवाई होनी चाहिए मनोज बैठा के खिलाफ। मुख्यमंत्री हैं आप, आपके पास सारे ताकत है, सारे तंत्र आपके पास मौजूद हैं, आप चाहें तो इसको तुरंत गिरफ्तार करवा सकते हैं, इसे नेपाल पार करने ही नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। और जो हमें स्थानीय वहाँ के लोग बता रहे थे कि जिस वक्त ये घटना घटी थी, ये घटना के तुरंत बाद ये जो मनोज बैठा अपने जीप से निकलता है, खड़ाता हुआ है, उसकी हालत जो है वो लड़खड़ाई हुई सी थी, ऐसा लग रहा था कि उसने शराब पिया हुआ था, और शायद अब इसीलिए आरोप लग रहे हैं आरजेडी की तरफ से भी जो कि विपक्षी दल है कि नशे के हालत में मनोज बैठा ने पूरी घटना को अंजाम दे दिया है, और अब नेपाल उसे फरार होने दिया गया है, 3-4-5 दिन का वक्त लगाया जाएगा ताकि शराब के अंश खत्म हो जाए शरीर से, और उसके बाद अगर टेस्ट होता है, अगर वो सरेंडर भी करता है या पुलिस गिरफ्तार भी करती है, तो कम से कम शराब को लेकर कोई सवाल नहीं उठेंगे या शराबबंदी को लेकर नीतीश कुमार पर सवाल नहीं उठने चाहिए। रोहित, आप बने रहे हमारे साथ, और इस बीच सवाल उठने लाजमी है क्योंकि विपक्ष ये मौका नहीं गवाएगा। तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं नीतीश सरकार से, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव सुनिए। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सड़क पे हैं और राजभवन मार्च पे हैं, और इसकी वजह है मुजफ्फरपुर में जो दुर्घटना हुई उसमें बीजेपी के नेता मनोज बैठा गाड़ी चला रहे थे, जैसा कि आज तक ने भी दिखाया इसको, और उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। तेजस्वी यादव हमारे साथ हैं, तेजस्वी आप राजभवन मार्च पे हैं, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। मुझे बहुत पीड़ा हो रही है कि हम लोगों को सड़क पे उतरना पड़ रहा है। पीड़ा इसलिए हो रही है कि सरकार जो है उन मासूम जिनकी मौतें हुई हैं, मर्डर किया गया है, उसको अब तक न्याय नहीं दिला पाई है, उनके परिवार को न्याय नहीं दिला पाई है, और इसलिए इतने घंटे हो गए, 2 दिन हो गया सीसीटीवी में जो आपने दिखाने का काम किया फुटेज, हमने आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं, जिस प्रकार से आपने दिखाया कि सफेद उजले कुर्ते और पजामे में वो टोल में वो पाया गया, और हम तो खुद मुजफ्फरपुर गए थे, पीड़ितों से मिले, हम उनके परिजनों से मिले, उन लोगों का ये कहना था कि शराब के नशे में धुत था वो, और पूरी तरीके से अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, और पूरा संरक्षण जो है नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी देने का काम कर रहे हैं, और इसलिए गिरफ्तारी नहीं की जा रही है क्योंकि अगर वो पकड़ा जाएगा, मेडिकल होगा, तो उसमें सैंपल में अल्कोहल की मात्रा पाई जाएगी, तो नीतीश कुमार जी के लिए ये जो खबर होगी वो अच्छी नहीं होगी, और सुशील मोदी के वो चाहते हैं, इस वजह से वो जो है बचाना चाहते हैं इस पूरे मामले को, तो पूरे, और ये पहली घटना नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के लोगों ने पहले भी शराब को इश्यू लेकर कोई गाड़ी में पकड़ा जा रहा है, कोई जो है
पहले पार्टी कर रहा है, कोई शराब बिचवाने का काम कर रहा है, माफिया गिरोह। इससे पहले भी हम लोगों ने तस्वीर देखी मुख्यमंत्री के साथ कि किस तरह से आरा का कुछ ट्रेडी वाले के साथ उन्होंने ड्राइंग रूम में फोटो खिंचवाने का काम किया। तो पूरी तरीके से जो लोग हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार के लोग थे। अच्छा, मान लीजिए अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कम से कम पार्टी को निकालना तो चाहिए था। थोड़ी सी भी संवेदनशील होते मुख्यमंत्री जी, हेलीकॉप्टर है, 15 मिनट लगते मुजफ्फरपुर जाने में पहुंच जाते, उनके परिवार के लोगों को एक भरोसा होता। तो कई सवाल यहाँ पर तेजस्वी यादव उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई, पार्टी से वक्त रहते क्यों नहीं निकाला गया, संरक्षण एक तरह से दिया जा रहा है, 9 बच्चों को रौंद कर मारने का आरोपी 3 दिन बाद भी गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, ये सवाल आज तक भी पूछ रहा है। और साथ ही तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि मनोज बैठा को पकड़ने के लिए बनाई गई पुलिस की 5 टीमें आखिरकार क्या कर रही हैं, 3 दिन का वक्त गुजर चुका है, मनोज पर शराब पीकर गाड़ी चलाने का आरोप है, अब अगर वो पकड़ा भी जाता है तो मेडिकल टेस्ट में कैसे ये बात साबित की जाएगी। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें मनोज अपनी गाड़ी से बाहर लड़खड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या जानबूझकर गिरफ्तारी में देरी की जा रही है ताकि मनोज के शरीर से शराब का अंश खत्म हो जाए। नेता शराब पीकर बच्चों को रौन देता है, नीतीश राज में ये कैसी शराबबंदी है। और ज्यादा जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता रोहित सिंह, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, पहले से ही लालू यादव और उनका परिवार तिलमिलाया बैठा है, मौके की तलाश थी, वो मौका आ गया, अब वार किए जा रहे हैं, विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है कि इस तरह से संरक्षण आखिरकार क्यों दिया जा रहा है मनोज बैठा को, क्यों कार्रवाई में देरी हो रही है, क्यों पार्टी से वक्त रहते नहीं निकाला गया। जी बिल्कुल, देखिए तेजस्वी की अगर बात करें तो इस वक्त वो बिहार के दौरे पर है, न्याय यात्रा पर निकले हुए थे कुछ पिछले कुछ दिनों से, और उन्हें तो बैठे बिठाए एक तरीके से मुद्दा मिल चुका है मनोज बैठा के रूप में, क्योंकि ये मामला बहुत ही संगीन है। 9 बच्चों की गैर इरादतन हत्या का मामला, प्लस उसमें से आप जोड़िए शराबबंदी का जो उल्लंघन का मामला है। तो ऐसे में तेजस्वी का आरोप यह है कि अगर मेडिकल टेस्ट होता भी है मनोज बैठा का और उसमें शराब के अंश नहीं पाए जाते हैं तो एक बड़ी कार्रवाई से ये नेता बच जाएगा, क्योंकि यह शराब में यहाँ बिहार में शराब के कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति शराब पीता हुआ पाया जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा मिल सकती है। यानी एक बड़ा मामला जो है शराबबंदी को वायलेशन का, वो उसके ऊपर से चार्ज हट जाएगा तो और सिर्फ मामला 304 के तहत चलेगा आईपीसी की, जो कि गैर इरादतन हत्या का है। इसीलिए आरोप लगाए जा रहे हैं कि नेता को बचाने की कोशिश की जा रही है, और अगर उसे पकड़ लिया जाता समय रहते हुए तो उस पर दोहरा मुकदमा चलता, एक चलता गैर इरादतन हत्या का और दूसरा शराबबंदी का जो है कानून के उल्लंघन का, वहां उसको 10 साल सजा हो सकती थी। तो ये बड़े आरोप हैं और सरकार को इनका जवाब देना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री खामोश हैं, सुशील मोदी सस्पेंड करके खामोश बैठ गए हैं कि हमने तो कार्रवाई कर दी है, बाकी पुलिस जानेगी, लेकिन ऐसा नहीं चलता है। गिरफ्तारी होनी चाहिए थी लेकिन गिरफ्तार नहीं किया गया अब तक, कहीं ना कहीं संरक्षण की बात सामने आ रही है और उसे नेपाल जो है उसे जाने दिया गया है कहीं। तो सवाल यहां पर मनोज बैठा की गिरफ्तारी को लेकर उठ रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतनी देरी बरती जा रही है प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से 5 टीमें तो गठित कर दी गई हैं लेकिन 3 दिन का वक्त भी बीत चुका है। ऐसे में मनोज बैठा इस वक्त कहां है, क्या वो नेपाल पहुंच चुका है या फिर उसे बचाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि शनिवार शाम की घटना है, तब से अब तक कार्रवाई सिर्फ यही की गई है कि 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है मनोज बैठा को पार्टी से। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से, एक तरफ तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने होली ना मनाने का ऐलान कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम सुशील मोदी होली मिलन समारोह में शिरकत करते हुए दिख रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, ब्रेक के उस पार खबरों का डबल डोज, 1 और 1:11 मेरे और मुंबई से मीनाक्षी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।